फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो ये आज शूट है 29 जनवरी का, और यहाँ पे हम आए थे नीचे थोड़ा सा पूजा का सामान लेने। तो बस यहाँ पे जब हम पूजा का सामान ले रहे थे तो बच्चे भी अपना स्कूल से आ गए थे, और स्कूल से आने के बाद यहाँ पे बच्चों को भी हम लोग, हेलो, क्या लिया तुमने मितांश? और अभी मितांश कह रहा है मम्मा मुझे नारियल पानी लेना है, और स्प्राउट्स वगैरह उसने लिए हैं खाने को। यहाँ पे पकड़ लिया उसने मम्मी को सब्जी की दुकान पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज है सकट चौथ का व्रत हम लोगों का। तो आज पूजा की क्या क्या प्रिपरेशन की, अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी घर चल के दिखाऊँगी, अभी थोड़ा फूल और दूबा वगैरह भी लेनी है, तो वो सब ले लें फिर चलते हैं। और बस अभी हम जा रहे हैं, फूल वगैरह देखते हैं। और ये गाड़ी में देखिए फूल लगे हुए हैं, तो प्रीति कह रही है यहीं से ले ले, क्या मारेगा जिसकी गाड़ी में फूल से चुराऊंगी तो। और बस अब यहाँ पे पार्क में दूबा मिल जाएगी, और मंदिर के पास कह रही थी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो बस आज देखिए हम लोग का व्रत में कैसा हो रखा है चेहरा। अब सीधे शाम को पूजा करने के बाद ही हम लोग फरहार करेंगे, खाना वो भी नहीं खाना है, सिर्फ फरहार करना है। तो अभी हमने व्रत का सारा सामान प्रिपेयर करके रख दिया, जो तिल पहाड़ वगैरह बनाया जाता है, और सिंघाड़े के आटे का हलवा और शकरकंद का। तो अभी जब हम मैं चलूँगी घर में तो फिर मैं दिखाऊँगी कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पूजा का सामान हम लोगों ने बना के रख लिया है। ये जो तिल का पहाड़ बनता है, काले तिल और गुड़ को कूट के ये बना लिया है, और यहाँ पे चढ़ता है उबली और कच्ची शकरकंद, गाजर और ये अमरूद, और साथ में चढ़ता है ये सिंघाड़े के आटे का हलवा। और यही रात में फरहार भी किए करेंगे हम लोग। और ये है शकरकंद का हलवा। तो ये सब हम लोगों ने दोपहर को ही बना के रख लिया, क्योंकि घर में अभी गेस्ट हैं तो डिनर वगैरह बनाना पड़ेगा रात में। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन पूजा की। ये अभी शाम को जितने भी जेंट्स हैं सबके लिए बन गई है खिचड़ी, मीन्स तहरी बन गई है ये। और ये देखिए, ये सबके लिए तहरी बन गई है। शाम को अभी डिनर में बस यही चलेगा, और बच्चों के लिए कुछ बाहर से कढ़ाई पनीर वगैरह उनको खाने का मन था तो वो ऑर्डर कर दिया है, तो बच्चे वो खा लेंगे। और भैया लोग नहीं खाना चाहते थे बाहर का खाना, तो उनके लिए अभी ये बन गई है तहरी। और बस अब 7:30 का टाइम हो गया है, और बस हमारी पूजा की तैयारी भी हो चुकी है। तो बस हम लोग देवरानी जेठानी अब जा रहे हैं पूजा करने। यहाँ पे पूजा हम लोगों ने अभी शुरू कर दी है, पूजा का टाइम हो गया है। यहाँ पे प्रीति देखिए रेडी होके आ गई है, और यहाँ पे पीढ़े में वो बना रही है सकट माता बना रही है, जिनकी आज पूजा होती है गणेश चतुर्थी वाले दिन। तो ये वही पीढ़े में बना रही है, पीढ़े में रख के ही पूजा होती है। और यहाँ पे ये कलश तैयार हो गया है, और पान हमारे आ गए हैं, पान चढ़ाए जाएंगे, और ये फूलों की माला और फूल वगैरह भी सब कुछ अभी आ गया है। तो बस यहाँ पे हम देवरानी जेठानी अब कर रहे हैं पूजा। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये पूजा हो चुकी है। अभी ये देखिए सब कुछ चढ़ गया है यहाँ पे, जो भी प्रसाद चढ़ाना था, और हमने अपनी पूजा भी कर ली है। बस हमारी अभी हवन रह गई है, तो अभी हम हवन सुलगा के और इसमें हवन करेंगे। एक बार चौथ का ही दिन था, बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन ही चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है,
फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छुपा कर बेच देती है और फिर छुपा कर बेची गई लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वो चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब ये बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। खुशाम्बु सुतेवारी कामिना को पूर्ण करो जगे बलिहारी, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा।